हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं टोनी स्टार की एक स्मार्ट मूव के बारे में, जो कि ऑकर हुई एम्पायर इशू 6 के अंदर, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इटर्निटी जैसा कैरेक्टर क्यों टोनी स्टार का नाम तक जानता है और उसे अर्थ का बेस्ट इंजीनियर तक कहता है। इससे पहले भी मैंने थॉर के कुछ नए पावर्स के बारे में आप लोगों को बताया था, जो कि एम्पायर कॉमिक्स में ही हमें देखने को मिला था, जो कि असल में उसके नए पावर्स नहीं बल्कि पुराने ही थे, लेकिन वो उसे कभी यूज नहीं करता है। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस कहानी के जो मेन पॉइंट है, यानी कि जिसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, जो पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उस चीज के लिए और मुझे अच्छी वाइब भी मिली थी, तो उस पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एम्पायर स्टोरी का बैकग्राउंड बता देता हूं। तो एम्पायर कॉमिक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि स्क्रल और क्री, जो कि एक दूसरे के जान के दुश्मन है, वो दोनों ही एकजुट हो जाते हैं ताकि वो लोग कोटाटी को रोक सके। अब ये जो कोटाटी है, ये प्लांट लाइक एलियन स्पीसीज है जो कि एनिमल्स का खात्मा चाहते हैं और ये पूरे यूनिवर्स में करना चाहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत वो लोग अर्थ से करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अर्थ पे एक डेथ ब्लॉसम भी प्लांट करके रख दिया है, जिसके उगते ही ये अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उनका ये प्लान को खत्म करने के लिए और एज अ सॉल्यूशन, स्क्रल और क्री दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अर्थ जिस सोलर सिस्टम में है उसके सन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो डेथ ब्लॉसम अगर खिल जाएगा तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके लिए ऑलमोस्ट 10 मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि वो वाकांडा के सॉइल में हो रहा है। तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरह हो जाता है कि 9 मिनट बाद सन डिस्ट्रॉय होने वाला है, और इन केस अगर सन डिस्ट्रॉय नहीं भी होता है तो अगर डेथ ब्लॉसम खिल गया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट बाद खिल ही जाएगा, वो भी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पर दो कैटास्ट्रोफी इवेंट हो रहे हैं और इन दोनों को रोकने के लिए दो स्मार्टेस्ट पीपल रूम में डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाकी एवेंजर्स कोटाटी के मेंबर से लड़ रहे हैं, तो कैप्टन मार्वल और जॉन स्टॉर्म दोनों अपने कंबाइन एफर्ट से सन के एक्सप्लोजन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जॉन स्टॉर्म सुपरनोवा तक जा सकता है, वो हीट मैनिपुलेशन से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। और वहीं पर अगर हम देखें तो कैप्टन मार्वल एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकती है, इसलिए उस पावर को यूज करके वो वहां पर जॉन स्टॉर्म के साथ उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में वीकेन, यानी कि स्कारलेट विच का बेटा, उन दोनों को टेलीपोर्ट करके ले जाता है सन के सरफेस के पास, लेकिन वो दोनों इसमें असफल होते हैं और अब इनके पास सिर्फ 8 मिनट है इस चीज को रोकने के लिए। जिस पर टोनी रीड को अपना एक सूट देता है, जो कि उसने रीड रिचर्ड्स के लिए बनाया हुआ रहता है, और उसे कहता है कि तुम डेथ ब्लॉसम का प्रॉब्लम को सॉल्व करो और मैं इस साइड में इस सन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। लेकिन रीड यहाँ पे थोड़े टेंशन में रहता है, क्योंकि इसी कॉमिक्स के शुरुआत में टोनी ने कुछ मिस्टेक्स की थी, जिसके वजह से वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर चुका होता है। ऐसे में वो कंसर्न जताते हुए कहता है कि ऐसे तो मैं तुम पे शक नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे फिक्र है तुम्हारी कि तुम इसे कर पाओगे या नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आसपास देखो, ये एक गुफा है और यहाँ पे भंडारों की सामान पड़ी हुई है, और यही वो जगह है जहाँ पर टोनी स्टार्क आयरन मैन बना था, और विश्वास रखो कि मैं उसे हैंडल कर लूंगा। ऐसे में जब रीड कोटाटी से लड़ने के लिए वाकांडा जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसके रिपर्सर वाले पॉइंट में ऐसे सोनिक फ्रिक्वेंसीज है जिससे जो कोटाटी के जो मेंबर्स या फिर कहें फाइटर्स हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं टोनी रीड के जाते ही रीड के ड्रॉअर से जॉनी का एक पुराना कॉस्ट्यूम निकालता है, जो कि फैंटास्टिक फोर के मेंबर के लिए बना था। अब फैंटास्टिक फोर के हर एक मेंबर का जो कॉस्ट्यूम होता है वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल से बना होता है। ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हर किसी के पावर्स के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, इवन जॉनी, जो कि सुपरनोवा तक जा सकता है। इनफैक्ट वो सन की जितना हीट है उतना तक को बर्दाश्त कर सकता है। तो टोनी उन्हें नैनो मशीन्स की तरह यूज करके ऐसे प्रोग्राम कर देता है ताकि वो जाकर सन में मौजूद उन एलिमेंट्स पे अटैक करे जो कि सन के बैलेंस को बिगाड़ रहा होता है, जिसे स्क्रल क्री की टीम ने मिलकर वहां पे डाला हुआ रहता है, और उसके बाद से ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर थॉर अपने न्यू पावर्स का इस्तेमाल करके अर्थ पे जो प्रॉब्लम्स रहता है उसे सॉर्ट आउट कर देता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं थॉर के नए पावर्स के बारे में जानने के लिए, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन और आई बटन पे क्लिक करने पे दिखेगा, और इस वीडियो के एंड में भी दिखेगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इटर्निटी जैसा कैरेक्टर टोनी स्टार का नाम जानता है और उसने कहा है कि वो अर्थ का बेस्ट इंजीनियर है, वो इस सीन में काइंड ऑफ प्रूफ होता है। एज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ का मोस्ट स्मार्टेस्ट एडल्ट, यानी कि रीड रिचर्ड्स कॉमिक्स के हिसाब से, नोट, मैंने स्मार्टेस्ट एडल्ट कहा है, स्मार्टेस्ट कैरेक्टर नहीं, क्योंकि अगर मैं स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कहूँ तो मार्वल के ऑफिशियल लिस्ट के हिसाब से मून गर्ल उसमें टॉप में आती है, जो कि एक बच्ची है। तो यहाँ पर मैं कह दूँ कि वहाँ पर जो अर्थ के दो स्मार्टेस्ट कैरेक्टर थे, उन दोनों के मौजूद में टोनी ने इसका आइडिया निकाला हुआ रहता है कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स को
यूज़ किया जा सके, जबकि उन अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स को बनाने वाला खुद रीड रिचर्ड्स रहता है। इसके अलावा टोनी ने उसके सूट के अंदर ऐसे फ्रीक्वेंसी फिट किए होते हैं जिससे रीड को आसानी हो उनको टाटी स्पीशीज एलियन से लड़ने में। बस वो लाइन जहां पर वो कहते हैं कि ये मेरा केव है और ये सारी चीजें एक भंगार के जैसे हैं, और यही वो जगह है जहां पर टोनी स्टार्क का जन्म हुआ था, मुझे बहुत ही ज्यादा वाइब दी थी आयरन मैन 1 के उस सीन का, तो मुझे ये अच्छा लगा था तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो खराब लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खराब लगा हो तो डिसलाइक करें। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबाया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दबाया है तो दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी तो आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।